तो नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों का कमेंट था दोस्तों, जो ये बीटी है दोस्तों, ये ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों कौन सा खरीदें। मार्केट में काफ़ी सारा उपलब्ध है, काफ़ी सारा मतलब नए नए डब्बे में काफ़ी सारा उपलब्ध है दोस्तों, तो इसको कैसे खरीदें ताकि अच्छा पकड़ा है स्पीकर, प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं फुल डिस्कस करूँगा दोस्तों, और कौन ओरिजिनल है, कौन फेक है, किसमें आवाज़ अच्छा क्वालिटी का देगा दोस्तों, तो ये सब ऑल टू ऑल जानेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। कोई भी सामान खरीदने से पहले उस सामान के बारे में जानकारी लेना ही बहुत बेहतर होता है, क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों कि उसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाता है तो दोस्तों वो खराब जल्दी पकड़ाता नहीं है दोस्तों। क्या आप पहचान सकते हो कि इसमें ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है दोस्तों? सारा सेम है दोस्तों, और दोस्तों सारा का अलग अलग जो है कलर हर तरह का उपलब्ध है दोस्तों। आप मार्केट में जाओगे तो आप पूछोगे ये कलर चाहिए तो आपको वो निकाल के दे देगा। तो दोस्तों देखिए, आपका सारा सेम चीज़ है दोस्तों, ये देख रहे थे दोस्तों, ये बटन वगैरह सारा चीज़ सेम है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लग रहा दोस्तों। तो कुछ यूनिक सा दोस्तों फ़र्क देखने को मिलेगा, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कि ये कैसे जाने कि कौन मतलब कॉपी है, कौन ओरिजिनल है दोस्तों। तो इसमें कुछ पहचान करने लायक है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा कटा हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो कटा हुआ है दोस्तों, आप थोड़ा गौर से देखिए दोस्तों, ये और ये दोनों साइड ये कटा हुआ है, ये जाली खोलने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कटा हुआ है दोस्तों, तो ये आपको मार्केट में कॉपी वाला मिल जाएगा दोस्तों, ये कटा हुआ, ये ध्यान दीजिएगा ठीक है। और इसको खोल के भी दोनों का कंपेयर बताऊंगा मैं दोस्तों, कि क्या दिक्कत है, अंदर में भी क्या प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो दोस्तों और जो है, और इसमें देखिए, ये ओरिजिनल है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कोई कटा हुआ नहीं है, आपको दिख रहा होगा, कोई सा भी कुछ कटा हुआ नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, एक तो जानकर पहचान मिल गया दोस्तों, और दूसरा क्या दोस्तों, इसमें जो दोस्तों कॉपी में दोस्तों दो नट होता है मात्र, ये ऊपर में जो है फोन लगा हुआ है दोस्तों, इसमें दो नट रहता है, जबकि ये डुप्लीकेट में दोस्तों इसमें तीन नट, सॉरी ओरिजिनल में दोस्तों इसमें तीन नट रहता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके फोम के नीचे जो है नट है दोस्तों, तो अगर आप खोले तो पहले जो है कोई भी पतला सा चीज़ में दोस्तों आप छेद करके देख ले, ताकि आपका फोम ये जो है बर्बाद ना हो दोस्तों, नहीं तो पूरा उखाड़ना पड़ जाएगा। तो आप पहले जो है, बस मैंने दाग दे दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो है दाग है दोस्तों, ये एक दो तीन को यहाँ पर नट है दोस्तों। तो खोल के हम अंतर भी बताते हैं दोस्तों कि आप कैसे जानेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ का जो है मतलब कमी रहता है, अगर कोई कॉपी है दोस्तों और ओरिजिनल में क्या कमी रहता है, जो जिसके कारण आवाज़ भी कम देता है, अच्छा सा आवाज़ नहीं देता है, बैटरी बैकअप भी सही से नहीं देता है, तो इसके बारे में ही अच्छा से जानेंगे। तो दोस्तों इसका मैं स्क्रू खोल दिया दोस्तों, और देखिए दोस्तों दोनों को जो है खोलते हैं, तो देखिए इसमें दोस्तों दो नट है दोस्तों, स्क्रू है, और इसमें तीन है स्क्रू लगने का है, तो ये भी आप जान सकते हैं दोस्तों। और इसको खोलते हैं दोस्तों, अब इसका बैटरी देखते हैं, स्पीकर देखते हैं, ये सब में दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, किट भी लगभग दोनों का सेम ही है दोस्तों। अब किट में क्या है दोस्तों, और बैटरी सब में देखिएगा दोस्तों क्या है नहीं है। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों थोड़ा पैनल खोल देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों अंतर कितना बड़ा बड़ा है दोस्तों, ये बैटरी देखिए दोस्तों, ये बैटरी छोटा है और ये बैटरी बड़ा है दोस्तों। कॉपी वाला दोस्तों छोटा बैटरी है, जो कि आपका बैकअप इसके कंपेयर में ये थोड़ा कम देगा आपको, आखिर कॉपी है तो छोटा तो रहेगा ही दोस्तों, और ये बड़ा सा बैटरी है। तो दोस्तों ये तो आप देख लीजिए दोस्तों, बैकअप में भी अंतर रहेगा दोस्तों। अब स्पीकर में दोस्तों, अब जो है इसमें देखिए दोस्तों, किट के बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है दोस्तों, ये दोस्तों आपको सिस्टम आईसी है दोस्तों, जो कि मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, ये कमांड होता है दोस्तों, इस ये करता है दोस्तों। ये ऑडियो आईसी है दोस्तों, ये छोटा आईसी है। अब ओरिजिनल में दोस्तों क्या है, देखिए ये बड़ा आईसी है, ये बड़ा आईसी है, उसके बाद ये ऑडियो आईसी, ये सिस्टम आईसी है, ये ऑडियो आईसी दोस्तों, तो इसमें भी थोड़ा अंतर है दोस्तों। इसका लॉन्ग लाइफ के लिए जरूर अंतर होगा दोस्तों। अब क्या दोस्तों, इसको ओपन करते हैं, देखिए दोस्तों इसका, आप देखिए दोस्तों थोड़ा सा। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसका स्पीकर निकाल दिया दोस्तों, और इसका भी स्पीकर निकाल देता हूं मैं दोस्तों। अगर वेट का कंपेयर करें दोस्तों, तो शायद आपका कॉपी का दोस्तों थोड़ा ज़्यादा वेट होता है, क्यों होता है वो भी बता देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये स्पीकर जो है दोस्तों, इसके कंपेयर में ये थोड़ा बड़ा स्पीकर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये क्या करता है दोस्तों, ये जो दोस्तों देखिए, एक फोर्स चुंबक दिया हुआ रहता है दोस्तों, चुंबक रहता है दोस्तों, ताकि इसका वेट रहे। लोग बोले कि नहीं वेट है, तो ये ओरिजिनल है दोस्तों, तो इस बकावे में ना जाए दोस्तों, आपको दिख गया होगा। और दोस्तों इसका स्पीकर भी, चुंबक भी छोटा है दोस्तों, ताकि इसका वाटेज जो है दोस्तों, स्पीकर में साउंड कम देगा, इसके कारण अच्छा सा क्वालिटी का साउंड भी नहीं देगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये चुंबक भी काफ़ी बड़ा है थोड़ा सा, इसका कंपेयर में तो बड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों ये आवाज़ भी इसका, और साइज़ भी थोड़ा बड़ा है दोस्तों, तो ज़रूर जो है दोस्तों इसके कंपेयर में ये थोड़ा अच्छा आवाज़ देगा दोस्तों। तो दोस्तों और इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, जितना था मैंने सारा बता दिया दोस्तों। और दोस्तों आपको उम्मीद है कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या अंतर है दोस्तों, इतना डिटेल में बता दिया मैंने। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो जरूर हमें कमेंट करें दोस्तों, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपका जहां तक हो सके सहायता करूं मैं दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक बनता तो है दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूँ।